दोस्तों मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन में तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे कि आप यदि किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं और आपको पेशेंट का स्टेटमेंट बिल तैयार करना हो तो आप कैसे तैयार करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने कुछ पेशेंट के नाम भर लिए हैं और यहाँ पर उनका हमने भर लिया अकाउंट नंबर एंड दूसरा जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो लिखा है डेट ऑफ एडमिट यानी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में कब एडमिट हो रहा है वो डेट आप, आप यहाँ पे भर लीजिए इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है to <hugging> वो लिखा है डेट ऑफ डिस्चार्ज यानी वो पेशेंट आपके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब हो रहा है और नेक्स्ट उसके बाद जो कॉलम है वो है नंबर ऑफ डेज यानी वो पेशेंट आपके हॉस्पिटल में कितने दिन रहा वो आपको यहाँ निकालना है और उसके बाद जो कालम है वो लिखा है वार्ड चार्ज यानी आप उस वार्ड का कितना चार्ज लेते हैं वो चार्ज आप इसमें कुछ भी भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका चार्ज पड़ता हो आप भर लीजिए इसमें नेक्स्ट अगला जो कालम है फ्रेंड्स वो है डॉक्टर विजिट यानी डॉक्टर कितनी बार विजिट करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है और डॉक्टर विजिट जो करते हैं तो उसका चार्ज क्या लगता है तो वो चार्ज आप यहाँ पर फिल करेंगे और लास्ट में आपको निकालना है टोटल चार्ज आपको कितना पे करना होगा यानी पेशेंट को टोटल चार्ज कितना देना होगा वो आपको लास्ट कॉलम में निकालना है तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक कॉलम को निकाल करके दिखाते हैं और टोटल भी दिखाते हैं कि आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा तो पहले स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ डेज से तो फ्रेंड्स इस तरह आप पहले अपने जो भी आप बिल बना रहे हैं उसमें आपको डेट भर लेनी है उसके बाद आपको ये फार्मूला लगाना है कि आप टोटल डेज कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है एक्सल में दोस्तों इक्वल टू से ये आप लोगों को पता ही होगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगाते हैं इक्वल टू यानी बराबर इसके बाद इक्वल टू लगाने के बाद सबसे पहले हम देंगे डेट ऑफ एडमिट यानी पेशेंट एडमिट कब हुआ उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है डेट ऑफ डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज कब हुआ तो डिस्चार्ज डेट से आपको एडमिट डेट माइनस करना है तो यहाँ पर हम डिस्चार्ज डेट की रेंज ले लेते हैं इसके बाद माइनस प्रेस करते हैं और डेट ऑफ एडमिट की डेट ले, ले लेते हैं और इंटर कर देते हैं जैसे इंटर करते हैं देखिए आठ दिन निकल रहे हैं यानी ये जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आठ दिन एडमिट रहा अब इसको आपको क्या करना है सिंपली इसको आपको ड्रैग कर देना है ऐसे जैसे ही ड्रैग करेंगे सारे पेशेंट का जो भी जो जितने दिन रहे हैं पेशेंट वो सारे डेज आपके सामने निकल कर आ जाएंगे अब यहाँ पर हम कुछ चार्ज भर देते हैं हम एग्जाम्पल में कुछ चार्ज भर देते हैं कि वार्ड चार्ज क्या पड़ता है एक दिन का तो हमने भर दिया फोर हंड्रेड भर दिया हम ऑलरेडी सब में फोर हंड्रेड ही भर देते हैं तो इसको हम ड्रैग कर देते हैं ऐसे देखिए ड्रैग कर दिया सब में फोर हंड्रेड आ गया इसके बाद डॉक्टर विजिट कितनी बार करते हैं तो यहाँ पे आपको वो दिन भरने ही वो टाइम भरना है कि कितनी बार डॉक्टर विजिट करते हैं तो किसी में हमने तीन बार भर दिया किसी में दो बार भर दिया इस प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग जितनी बार डॉक्टर विजिट करते हैं आप भर सकते हैं तो हम ये समय कुछ अलग अलग फिल कर देते हैं कि डॉक्टर इतनी बार विजिट करते हैं और जो डॉक्टर विजिट करते हैं तो एक बार विजिट करने का चार्ज उनका क्या लगता है वो आपको यहाँ भरना है तो यहाँ पर हम भर देते हैं फाइव हंड्रेड और सिंपलिस को हम कर देते हैं ड्रैक जैसे ही आप ड्रैक करेंगे सब में देखिए पाँच पाँच सौ निकल गया नि भर गया अब आपको यहाँ पे लगाना है फार्मूला यानि आपको टोटल कितना देना पड़ेगा टोटल चार्ज यानी पेशेंट को टोटल चार्ज कितना देना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले आप इक्वल टू लगाइए इसके बाद ब्रेकेट ओपन करिए फ्रेंड्स ओपन करने के बाद पहले नंबर ऑफ डेज किरण देनी कि पेशेंट कितने दिन आपके हॉस्पिटल में रहा तो नंबर ऑफ डेल पे आप क्लिक कर दीजिए सिंपली या आप लिख करके भी दे सकते हैं ई कॉलम एलेवन रो तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं इसके बाद लगाते हैं मल्टीप्लाई का निशान यानी गुड़े इसके बाद वार्ड चार्ज यानी वार्ड का चार्ज क्या पड़ रहा है तो चार्ज फोर हंड्रेड पड़ता है तो उसकी रेंज ले लीजिए और ब्रेकट करिए क्लोज इसके बाद लगाइए प्लस का साइन फिर अगले कॉलम की रेन देनी है कि डॉक्टर कितनी बार विजिट करते हैं तो डॉक्टर विजिट के रेन दे दीजिए तीन बार विजिट करते हैं तो हम विजिट वाले कॉलम की रेन दे देते हैं इसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डॉक्टर का विजिट चार्ज क्या लगता है तो विजिट चार्ज हमारा पाँच सौ लग रहा है तो हम फाइव हंड्रेड के यहाँ पर रेंट दे देंगे आप रेंट दे दीजिए या फिर आप लिख करके भी दे सकते हैं जैसे कि हम लो रेंज नहीं दे रहे हैं यहाँ पे लिख करके भी बता रहे हैं फ्रेंड्स तो एच कॉलम है और हमारा विजिट है एलेवन तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं एच एलेवन तो सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है एच एलेवन और कर देना है आपको एंटर जैसे इंटर करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए टोटल ये निकल आया चार हजार सात सौ रुपये अब इसको आपको क्या करना सिंपली आप इसको ड्रैग कर देंगे जैसे ही ड्रैग करेंगे तो देखिए सारे पेशेंट का जो भी चार्ज है वो निकल के आपके सामने आ जाएगा अब आपको क्या करना है इसको ऐड करना है ऐड करने के लिए आप लगाइए इक्वल टू इसके बाद लिखिए सम एस यू एम सम ब्रेकेट करिए ओपन इसके बाद आपको सैंतालीस सौ की रन देनी है क्योंकि फ़र्स्ट कॉलम की रन देनी है फ्रेंड्स उसके बाद लास्ट कॉलम की रन देनी है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं इसके बाद डबल डॉट्स लगाते हैं शिफ्ट के साथ और नीचे कॉलम की आपको रन देनी है और क्लिक कर रन देने के बाद आपको कर देना है एंटर यानी टोटल हम ये दे देख सकते हैं कि उनतीस हज़ार दो सौ रुपया पेमेंट करना पड़ेगा इस डेट के हिसाब से तो फ्रेंड्स इस तरह आप किसी भी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो पेशेंट का स्टेटमेंट आप तैयार कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हाईवे नेक्स्ट डे वंदे मातरम